कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले। उन्होंने 45 मिनट तक परिवार से बातचीत भी की। राहुल ने अचानक दौरे का प्लान बनाया, सुबह 7 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। बता दें कि इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि 4 साल से कैद में हूँ, ना कोई रोजगार है और ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए। हाथरस में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घर वालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला देश भर में सुर्खियों में रहा था। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।